बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर महानगर पालिका कार्यालय की, जहां अपनी विविध मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। वैसे आपको बता दें कि उल्लासनगर इलाके में जर्जर इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनका पुनर्विकास वक्त की जरूरत है। चूंकि कुछ दिन पहले दो अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की बड़े दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी, क्योंकि दो इमारतों के पुराने हिस्से जो थे वो गिर पड़े और इसके गिरने से जो जनहानि हुई वो बड़े पैमाने पर रही। और इसी के चलते उल्लासनगर मनपा द्वारा सभी जर्जर इमारतों की ऑडिट करवाने से संबंधित, जो उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो करवाया जाए, इसी से संबंधित नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उल्लासनगर इलाके की जो सियासत है वो गर्मा गई। और अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाना इसलिए चाहती है क्योंकि जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को तत्काल उस जगह छोड़ देने का अल्टीमेटम मनपा प्रशासन की ओर से दिया गया है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है उल्लासनगर मनपा के उस आदेश के खिलाफ जो उन्होंने उल्लासनगर के जर्जर इमारतों में रहने वालों को दिया था। एक दिवसीय अनशन और जो मोर्चा था, आज हमने मोर्चा निकाला, एक दिवसीय अनशन जो हमने कार्यक्रम रखा था उसके पीछे एक ही कारण था, हम धोखादायक इमारत वासियों के साथ हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। धोखादायक इमारत वासियों को हमारी मांगे क्या थी कि इनको ट्रांजिट कैंप अल्टरनेट अकोमोडेशन मिलना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं तो उससे पहले आप उनको कहीं टेम्प्ररी घर दीजिए, आप उल्लासनगर के विसिनिटी में दीजिए। कब तक लोग जो है भटकते रहेंगे? और रेगुलराइजेशन प्रोसेस, जो इलीगल बिल्डिंग को रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो पेनल्टी है वो 1 रुपया स्क्वायर फीट होना चाहिए, जैसे गुजरात में हुआ है तो हमारे उल्लासनगर में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 90% लोग हैं वो मिडिल क्लास है। हमारी सिंधी कम्युनिटी के लोग, अदर कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं इलीगल बिल्डिंग में, उनको जो है वो मिडिल क्लास हैं, उनके पास अर्निंग सोर्स भी नहीं है। इसलिए हमारी ये मांगे थी और हम लड़ते रहेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना उल्लासनगर शहरातील ज्या धोकादायक इमारती आहेत तर त्याच्या बाबतीत निवेदन देण्यात आलं। त्या निवेदनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ज्या 250 इमारती धोकादायक आहेत तर त्या 250 इमारतींच्या लोकांचं पुनर्वसन हे उल्लासनगर शहरामध्ये झालं पाहिजे। प्रत्येक कुटुंबाला, प्रत्येक फ्लॅट धारकाला 20 लाखाची रक्कम ही शासनाने द्यावी।